नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर सदर कोतवाली के अंतर्गत नेहरू नगर चौकी क्षेत्र में जो महेशपुरा स्थित गायत्री फार्म हाउस जो एक सोनी परिवार का है, यहां पर आज दोपहर 3 बजे के लगभग वहां के चौकीदार ने अपने फार्म हाउस के बने भारी भारी विशाल कुएं में एक सबको उतराता देखा और देखते ही वह हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत ही उक्त सूचना को पुलिस को दी। नेहरू नगर चौकी इंचार्ज जोगिंदर सिंह उन्होंने अपने अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर केशवनाथ, सदर कोतवाली प्रभारी संजय शुक्ला, नेहरू नगर चौकी इंचार्ज जोगिंदर सिंह पुलिस बल के वाल पहुँचे और उन्होंने कुएं में उतराते हुए सबको आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला और सबको निकालने में खाट का सहारा लिया गया। उसमें चारों कोनों पर रस्सी बांधकर कुएं में उतराते हुए सबको निकाला गया। सबकी पहचान भाड़ी मकसद के बाद जुगपुरा निवासी दयाली पाल की पुत्री जो नाबालिग 15 वर्ष की बताई गई है, उसका मीनू पाल बताया गया है। मीनू पाल विगत कितने घंटे से, कितने समय से घर से लापता है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मीनू पाल के रूप में सबकी पहचान हुई है। मृतका नाबालक है, लगभग 15 साल उम्र बताई गई है। पिता अभी घर पर नहीं थे। अन्य परिजनों से पुलिस ने जानकारी ली है। सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं। इस तरह का सब मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। उक्त सूचना के पाने से चौकीदार भयभीत है और इस तरह की घटना फार्म हाउस पर पहली बार घटित हुई है। लड़की फार्म हाउस के कुएं पर किस तरह पहुंची, क्यों पहुंची, यह जानकारी अभी पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस तत्वों को जुटाने में लगी हुई है।